दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल अजमेर की तरफ से मैं आज अजमेर के सभी शहरवासियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। हैप्पी दिवाली। सदगुरु ग्रुप की तरफ से अजमेर शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मे गॉडेस लक्ष्मी फुलफिल योर ऑल ड्रीम्स कम ट्रू। विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। श्री कुबेरा कलेक्शन की तरफ से सभी अजमेर शहरवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आई एम डॉक्टर नीरू पाठक, प्रिंसिपल DPS अजमेर तबीजी, एंड आई विश अ वेरी वेरी हैप्पी दीपावली टू ऑल द अजमेर। मैं अनुज अग्रवाल, अजमेर तनिष शोरूम से। अजमेर के सभी शहरवासियों को मैं तनिष की ओर से दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ये चाहता हूं कि आप सबका दिवाली बहुत अच्छे से बने। MB मोबाइल एसेसरीज एंड रिपेयरिंग की तरफ से अजमेर शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कितनी जगह से निकले में? ये करीबन लगभग मेरे पिताजी के साथ घटना हुई। 19 तारीख की बात है, 19/9 को ये पापा के वर्कशॉप, लोको वर्कशॉप में काम करते हैं पापा, वहाँ पे गया। अंकल 2 मिनट आपको मोबाइल दीजिए, मैं 2 मिनट एक ऐप डाउनलोड करके देता हूँ। आजकल अपन सब ऐप डाउनलोड करते हैं बैंक का, तो भाई ले लें। फिर बोला अंकल यहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहा, मैं बाहर जाके करता हूँ। भाई चला जा भाई। 4-5 महीने में इसने इतना विश्वास बना लिया था। एक बार घर पर भी आया था और पापा से बाहर भी मिलता रहा, तो पापा ने सोचा भाई बैंक का कर्मचारी हो, जाहिर सी बात है बैंक के पास तो डॉक्यूमेंट होंगे होंगे इसके सारे। तो ऐसे करके 87 करके OTP लेके सब डिलीट मार दिया, मतलब किसी को खानों खबर ही ना लगे। फिर पापा ने थोड़े दिन बाद में थोड़ा पेट्रोल वेट्रोल भराया, कुछ करा होगा तो डिक्लेन बताया वहाँ पर, तो स्टेटमेंट निकल गया 4 अक्टूबर को। तो पता चला 87,000 आपने देखा जैसे अभी, तो ये 2 बार डेबिट किए गए ई मित्र पे। तो हम पापा ने इसको फ़ोन किया, भाई क्या बात हो गई है? तो उसने कहा अंकल आप टेंशन मत लो, मैं आ रहा हूँ, अपन देखते हैं क्या है, करीबन 4 से 5 जनों के साथ ही धोखाधड़ी हो चुकी है। पापा ने बोला चलो भाई ठीक है, भाई जिसने बनाया उसने आश्वासन दे दिया तो ठीक है, कोई बात नहीं, अपने कोई दिक्कत आ जाएगा जब देख लेंगे। तो 2-3 दिन हो गए, भाई कहाँ रह गया? सर मैं जयपुर हूँ, सर मैं जोधपुर हूँ, आते ही करता हूँ, रिपोर्ट मत लिखाना सर आप, मतलब इतना मतलब आश्वासन पे आश्वासन देता रहा। पापा के साथ ये करिए तो आप उसको जानते थे, क्या नाम था उसका? कुछ हमारे को बताया अमित राठी, हम तो अमित राठी नाम से ही FIR दर्ज कराना है। वो तो किस्मत से इन अंकल की अंकल मिल गए, इन्होंने बताया कि देखो आधार कार्ड ये रहा इसका, इसमें नाम है गोपाल राठी, सन ऑफ किशनलाल राठी, और जयपुर का एड्रेस था इसका, और इनके पास पैन कार्ड की फोटोकॉपी भी पड़ी उसकी, इनसे LIC एजेंट है ये। कितने पैसे गए आपके? कितने? 87,501 और 87,501। लगभग कितना हुआ? लगभग हो गया ये करीबन 1,75,000, हाँ समथिंग हो गया। मुकदमा दर्ज कराया? मुकदमा दर्ज कराया बिल्कुल। पापा लोको बख्शो में OS हैं। कौन से थाने में मुकदमा? ये अलवरगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज कराया। आपका नाम? मेरा अक्षय पाखरोट नाम है, सुभाष नगर नाईशाला के सामने गली नंबर 2। मेरे फादर क्या नाम है उनका? सुरेश चंद पाखरोट। सुरेश चंद ने एक मुकदमा दर्ज करवाया कि उसने कुछ समय पहले इंडसइंड बैंक का क्रेडिट कार्ड बनवाया था और उसने एक एजेंट है अमित राठी उसके माध्यम से वो बनवाया था। तो उसके पास करीब 1 महीना भर पहले वो अमित राठी आता है और उनका मोबाइल लेके कुछ उसको बेवकूफ़ बना के कहा कि कुछ इसमें आपके वो सेटिंग कर देता हूँ। इस बहाने से उसने करीब 1,75,000 रुपये की ठगी कर ली। उनके पास उनको अभी परसों के दिन ही पता चला बैंक के माध्यम से कि आपका जो बिल है वो करीब 1.25 लाख का है। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया है, ना कोई शॉपिंग की है, तब जाके उनको पता चला। फिर पता चला कि उसने 2 ट्रांजेक्शन किए थे जो करीब 87,000 का एक ट्रांजेक्शन था, दोनों कुल मिला के 1.25 लाख के उसने ट्रांजेक्शन किए। तो उसकी तलाश जारी है, वो फरार है। सर सुरजी कायम नौकरी करते? नौकरी वो रेलवेज़ में वो करते हैं नौकरी, और वहीं जो अपना अलवर थाना क्षेत्र में जो लोको कारखाना है वहीं पे वो नौकरी कर रहे थे और वहीं पे वो अमित राठी उसके पास में आया था।